और देखिए आप विधायक अमानतुल्ला खान पर ईडी का एक्शन और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमानतुल्ला खान से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। अमानतुल्ला खान के घर तड़के सुबह ईडी की टीम गई, लेकिन वो पहले गेट पर खड़ी रही, बातचीत का दौर चलता रहा। अमानतुल्ला ये समझाते रहे कि जांच नहीं, ये परेशान करने की जड़ है, ये हमें गिरफ्तार करने की साजिश है। इतने दलबल के साथ ईडी की टीम गिरफ्तार करने आई है। कहना यह है कि मेरे घर में पेशेंट है, इतनी लंबी पूछताछ में कॉपरेट करने में मुझे दिक्कत आएगी। लेकिन ईडी अपना काम करने के लिए मौके पर पहुंची और अभी बड़ी खबर यह है कि ईडी अपना काम शुरू कर चुकी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको टेंशन के लिए बिल्कुल मना अब ये फेक नहीं है सर। मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो, क्या है मेरे पास? उनके वो लगा हुआ है, उनके ब्लड निकल रहा है हल्के हल्के हल्के। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने नहीं आए? अरे 1000% और क्यों आए हैं आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? किस चीज तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है बताओ? क्या सर्चिंग है मेरे पास? ऐसी करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि अमानतुल्ला खान से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अहमद बिलाल का, जो इस वक्त अमानतुल्ला खान के घर से मौजूद हैं। बिलाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि शुरुआत में अमानतुल्ला खान ने गेट नहीं खोला था, बातचीत हो रही थी गेट के आर पार से, गेट खुला कैसे और इस वक्त का क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 2 घंटे तक जो ईडी के अधिकारी हैं वो अमानतुल्ला खां के फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर ही खड़े रहे। तकरीबन 6:15 बजे के करीब ईडी के जो अधिकारी हैं वो अमानतुल्ला खां के घर पर जो है वो पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें जो है वो घर के अंदर एंट्री नहीं मिली। घर का जो दरवाज़ा है वो ईडी के अधिकारियों को एंट्री पे जो है वो नहीं दिया गया, उनके मुँह पर बंद कर दिया गया था। और जिसके बाद तकरीबन 6:15 से 8:15 बजे तक जो ईडी के अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश करते रहे घर के अंदर जाने की, और तब तक जो जालीनुमा जो गेट था वहीं से अमानतुल्ला खां और ईडी के अधिकारियों के बीच में जो है वो बातचीत होती रही। और 2 घंटे की कन्फ्रंटेशन रस्साकशी के बाद अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो अमानतुल्ला खां के फ्लैट के अंदर इंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, और अमानतुल्ला खां से अब जो पूछताछ है वो भी अब ईडी के अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का है। 2016 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इस मामले में जो है वो केस जो है वो दर्ज किया गया था, जिसमें आपको यह भी जानकारी दे दूं कि यह भी आरोप लगाया गया था कि अमानतुल्ला खान जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अवैध रूप से कई सारी नियुक्तियां जो है वो वक्फ बोर्ड में की थी। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वो भी किराए पर दी थी और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। ये सारे आरोप जो है वो अमानतुल्ला खान जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन पर लगे थे, और वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर ईडी ने जो है वो केस दर्ज करके अब इस मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि यही वो घर था। आपको एक बार घर की पहले हम तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर यह अमानतुल्ला खां का घर है, बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर ही अमानतुल्ला खां 3 कमरों के फ्लैट में अपने परिवार के साथ जो है वो रहते हैं। और पिछले साल अक्टूबर महीने में भी ईडी के अधिकारी जो है वो छापेमारी के लिए इसी आवास पर आए थे और कई घंटों तक जो है वो छापेमारी अमानतुल्ला खां के इस घर पर चली थी। और जो है वो आपको ये भी बता दें कि इस साल अप्रैल के महीने में अमानतुल्ला खां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुए थे, जहां पर उनसे 13 घंटे की लंबी पूछताछ जो है वो। अहमद बिलाल, ये तो बैकग्राउंड है जिसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन जो करंट सिनेरियो है उससे जुड़ी भी बड़ी खबर लगातार आ रही है। आपको हम ये बताएं कि आप विधायक अमानतुल्ला खान पर का बड़ा दावा सामने आया, उनका कहना है कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने आई है, ये जांच के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तारी की पूरी साजिश है, मुझ पर कई एफआईआर दर्ज की गई, मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, इनका मकसद है हम सभी को तोड़ना। ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है, 2016 का ये मामला है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है,
ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई। इसमें आप सर्च कर चुके हो, मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है और उनका अभी 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपोलो के अंदर और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं, मेरे पास हैं और वो अगर उनको कुछ हो गया या वो यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका क्या उसका ये जवाब देंगे। अब अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ, फर्जी मुकदमा मुझ पर ये लगाते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इसी ईडी वाले केस में तो ऑलरेडी सीबीआई से मैं जमानत पर हूँ, एसीबी से मैं जमानत पर हूँ। तो अमानतुल्लाह खान को आपने सुना और इन सब बीच जो एक्शन हो रहा है ईडी का, इस पर संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मोदी की तानाशाही, ईडी की गुंडागर्दी जारी है, सुबह सुबह अमानतुल्लाह के घर पर ईडी ने धावा बोला है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है लेकिन ये गुंडागर्दी चल रही है। ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया, 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है, ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। तो देखिए अमानतुल्लाह के घर पर ईडी का एक्शन, उस पर आप नेताओं का रिएक्शन तो आ रहा है लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि जो करप्शन करेगा वो जेल जाएगा, ईडी अपना काम कर रही है। तो अमानतुल्लाह के घर ईडी के एक्शन पर बीजेपी का रिएक्शन ये है कि जो करप्शन करेगा वो जेल जाएगा, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है और अपना प्रोसेस ईडी पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। अमानतुल्लाह खान को ये पता होना चाहिए कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अर्जी दाखिल करी थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने वो अपियर नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। ये कट्टर भ्रष्टाचारियों को सिर्फ और सिर्फ जेल जाना चाहिए क्योंकि यही लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा।